अ बिग अपडेट फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 2021 के लिए एक बड़ी अपडेट है। इसी अपडेट के अंदर मैं छह बातें करूंगा। छह बातें क्या क्या करने वालों जल्दी से बता देता हूँ, सीधे फिर मैं उसके बाद बात करता हूँ। देखो पहली बात तो कब फॉर्म आएगा, फिर कब एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या एग्जाम सबके लिए होगा मतलब यूजी पीजी पीएचडी के लिए, और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, मैं इतनी बात करने वाला इसी वीडियो के अंदर। ये अपडेट है तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आ रखी है, क्या जो भी मन में डाउट थे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जैसे ही अपडेट वाली वीडियो लेके आऊं आपको मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे पीपीटी बना रखी है, जिस आर्टिकल से मैंने पीपीटी बनाया हुआ है उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, क्या क्या अपडेट आ रखे। तो पहली अपडेट है कि एग्जाम फॉर्म जो आएगा इस महीने के आखिरी तक, आज है 10 अप्रैल, आपका फॉर्म आ सकता है इस महीने के आखिरी तक, यानी कि 30 तक आपका फॉर्म आ सकता है। जो उसकी नोटिफिकेशन आएगी फॉर्म कब आने वाला है, 17 के पहले पहले आ सकता है, ऐसा उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, सेकेंड वीक तक आ सकता है। तो ये वाली चीज़ रही कि एक्सपेक्टेड एग्जाम के बारे में, फॉर्म के बारे में ऐसा आएगा। अगली चीज़ हम देख लेते हैं एग्जाम डेट, आपका एग्जाम कब कंडक्ट होएगा। आपका एग्जाम कंडक्ट होगा जून महीने के आखिरी में, जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है जून मंथ के आखिरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा, यदि सीयूसीटी करा रही है तो। जो रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट आपका जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट जुलाई तक इसलिए लिया जाएगा कि सेशन का डिले ना हो, सेशन भी टाइम से करा लिया जाए, इसके लिए आपका जो रिजल्ट है जुलाई तक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद यह है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले बात ऐसी चल रही थी, ये वाली चीज़ देखो ना दुविधा भरी थी कि एग्जाम कितनी बार कराया जाए, क्योंकि सीयूसीईटी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 41 यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एक साथ में कराने जा रही थी, तो बात ऐसा करेगा एग्जाम दो बार कराए जाएंगे। लेकिन जो अमित खेरे हैं उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब, एग्जाम को एक ही बार कराएंगे, एक साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये भी श्योर हो चुका है कि एक साल में एग्जाम एक ही बार कंडक्ट होएगा। दूसरी वाली चीज़ देते हैं, ये एग्जाम किनके किनके लिए होगा, मतलब यूजी पीजी पीएचडी सबके लिए होगा क्या, ये वाली मेरे से व्हाट्सएप में पूछी रहती। तो ये कंफर्म किया जा चुका है कि ये सबके लिए नहीं होगा, केवल और केवल यूजी के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आर्टिकल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही तो जरूर से लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हम एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मतलब कि आपका जो यूजी का एंट्रेंस होने वाला है, जो सीयूसीटी कंडक्ट कराएगी कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका यदि एंट्रेंस एग्जाम सीयूसीटी नहीं कंडक्ट करा रही है तो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है, आसानी के रिटर्न पेपर पैटर्न वाला होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमम आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा यदि सीयूसीटी करा रही है तो। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिख रखा है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। जो आपका पेपर होगा 3 घंटे होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले, जैसा कि सैट के अंदर होता है। यूएस के अंदर एक पेपर कराई जाती है SAT के नाम से, सैट के नाम से, जहां पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं करने को लेकर के। तो यहां भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेस पे आपका एडमिशन लेंगी, मतलब कि सीयूसीटी का, और एक स्पेशल सेक्शन होगा जहां पे आपको 50 क्वेश्चन अदर से दिए जाएंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि आप फिजिक्स के लिए बीएससी के लिए अप्लाई करते हो, बीएससी के लिए क्वेश्चन होंगे आपके 12th के बेसिस पे, इस तरीके से होंगे। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दी है, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम फोड़ के रहेंगे।